नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबुल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर की त्रिकोणमिति के बेसिक के बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति के छह अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा हमने समकोण त्रिभुज के बारे में तो पढ़ा होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में देखो, ये वाला 90 डिग्री कोण होता है, इसे ए मान ले रहे हैं, इसे बी मान ले, इसे सी मान ले रहे हैं, ठीक है। और ये कौन सा? ये होता है एंगल थीटा। ये होता है एंगल थीटा। ये होता है एंगल थीटा। तो स्टार्ट करेंगे। और आपने पढ़ा होगा लाल बट्टा कक्का। देखो साइन थीटा में क्या करेंगे, लंब वटे कर्ण। लंब वटे कर्ण, लंब हमारा कौन सा है? बी सी। तो लिख ले रहे हैं लंब वटे कर्ण। लंब हमारा देखो ये होता है, कड़ ये वाली वजह होती है और आधार ये वाली वजह होती है, आधार, ठीक है। ये होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये वाली वजह कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा कौन सा? लंब वटे कर्ण। लंब कौन सा है? बीसी। कर्ण कितना है? एसी। अब कॉस थीटा की बात करेंगे तो आधार वटे कर्ण, आधार वटे कर्ण, आधार कितना है? एबी। और कर्ण कितना है? एसी, ठीक है ना। टेन थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा क्या है? लंब वटे आधार, लंब वटे आधार। तो लंब कितना हमारा? बी सी। और आधार कितना है? ए बी। और दोस्तों देखो कॉट थीटा, कॉट थीटा में जस्ट उल्टा करना स्टार्ट कर देना। देखो ये वाला होता है लंब वटे कड़ वाला होता है हमारा साइन, और आधार वटे कड़ वाला होता है हमारा कॉस, और लंब वटे आधार वाला होता है टेन। फिर जस्ट इसके उल्टे करने लग जाते हैं। कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? आधार वटे लंब, आधार वटे लंब। तो ये हो गया कॉट, ये सेक और ये हो गया कोसेक। तो आधार वट्टे लंब, आधार कितना हमारा? ए बी। लंब कितना हमारा? बी सी। सेक थीटा की बात करेंगे, सेक थीटा में कड़ वट्टे आधार, कड़ वट्टे आधार। कड़ कितना हमारा? ए सी। और आधार कितना हमारा? ए बी। आधार कितना है? ए बी। और देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में देखो कड़ वटे लंब, कड़ वटे लंब। कड़ कितना हमारा? ए सी। लंब कितना हमारा? बी सी, ठीक है दोस्तों। इधर देखो साइन थीटा की दोस्ती कोसेक थीटा के संग, और देखो कॉस थीटा की दोस्ती होती है सेक थीटा के संग, और टेन थीटा की दोस्ती होती है टेन कॉट थीटा के संग। ये दूसरे के दूसरे कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनली उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? साइन थीटा जस्ट कौन सा उल्टा है? कोसेक थीटा। बोलेंगे वन अपॉन कोसेक थीटा, वन अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा की दोस्ती किसके साथ में? सेक थीटा के साथ में। तो ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन सेक थीटा, वन अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा को देखो किसके साथ में दोस्ती है? वन अपॉन कॉट थीटा। कॉट की देखो दोस्ती टेन थीटा के साथ में, तो क्या लिखेंगे? वन अपॉन टेन थीटा, वन अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा को देखो, सेक थीटा की दोस्ती देखो किसके साथ में? कोस के साथ में, तो इसे लिखेंगे वन अपॉन कोस थीटा। साइन की कोसेक की देखो, साइन की दोस्ती कोसेक के संग में, कोसेक की दोस्ती साइन के संग में, तो इसे लिखेंगे वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा। और देखो टेन थीटा के दो फॉर्मूले और होते हैं, एक और होता है, एक तो ये हो गया, एक होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा कौन सा होता है? जस्ट या इसका उल्टा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो दो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं हमारे 90% ये वाले फॉर्मूले, टेन और कॉट में 90% ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं, बाकी 10% में ये दोनों यूज होते हैं, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एक कॉस्ट है, एक सबसे इम्पोर्टेंट है टेन वाला, कॉट वाला, और सेक और कोसेक, ये तो याद ही होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये वाले हैं,
ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। कुछ दो और कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इंपोर्टेंट फॉर्मूले, इंपोर्टेंट फॉर्मूले। जैसे दोस्तों देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, इसके तीन फॉर्मूले बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, जस्ट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, वन तो यहाँ की तो आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा किसका है, प्लस का, आर एच एस में जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन, इजिकल टू वन। इसके भी देखो दो फॉर्मूले और बन जाएंगे, एक बनेगा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और एक और फॉर्मूला देखो, एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो क्या करेंगे, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कितनी हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो देखो ये कैसे आई, ये समझ में नहीं आया, तो इधर देखो, हमने लिखा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन, ठीक है ना। तो वैल्यू हमें चाहिए किसी कोट स्क्वायर थीटा की, तो माइनस के कोट स्क्वायर थीटा है ना, और वन इधर और ही जाएगा आर एच एस में, तो किस में जाएगा, माइनस में, क्योंकि प्लस का है। अब इसमें कर देंगे माइनस से मल्टीप्लाई, पूरे समीकरण माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस वन, और ये हो जाएगा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इस वाले में प्रोडक्ट को ऐसे भी ले सकता हूँ, इस वाले लाइन को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट, और दोस्तों मैं बता दूँ, मैथ्स टोटल क्वेश्चन 11 एग्रीकल्चर के मैथ के प्रकाशन है, कौन सा, भारत भारती प्रकाशन में से कराऊंगा, टोटल क्वेश्चन भारत भारती प्रकाशन में से कराऊंगा, ठीक है। तो इसे रफ कर दे रहा हूँ, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलो अब वैल्यू सीखेंगे, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, यहाँ लिखेंगे थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ लिखेंगे कोस, यहाँ लिखेंगे टेन, यहाँ लिखेंगे कोट, यहाँ लिखेंगे सेक, यहाँ लिखेंगे कोसेक, यहाँ लिखेंगे कोसेक। और साड़ी बनाना सीखेंगे दोस्तों, कि साड़ी को कैसे बनाते हैं। जो सबसे पहले 0 के नीचे 0 रख लो, 30 के नीचे 1, 2, 3, 4, ठीक है। सब में देखो, सभी में 4 से भाग दे दो, सभी में 4 से भाग दे दो, ठीक है। और दो सभी पे अंडरूट चढ़ा दो, सभी पे अंडरूट
चढ़ा दो, ठीक है ना, सही पे अंडू चढ़ा देंगे। अब देखो दोस्तों, 0/4 यानी रहो 0/ कोई संख्या बराबर, 0/ कोई संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 0, और कोई संख्या बटे 0 बराबर, कोई संख्या बटे 0 बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी, ये क्या आएगा अनंत, ये क्या आएगा अनंत, ठीक है दोस्तों। आज 0/ कोई संख्या बराबर 0, यहाँ लिख देंगे 0, ठीक है। अब 1/4 दे रखा है, 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 1 और 4 का कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2। इसमें देखेंगे ये कट जाएगा 1/2 बार रूट में ही, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आ जाएगा, मगर 2 का कोई स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 1/√2। अब इसमें देखो रूट 3/4 है, तो रूट 3 मतलब 3 का तो कोई स्क्वायर रूट होगा नहीं, मगर 4 का हो जाए कितना 2, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 4 × 4 अंडरूट में कितना आ गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। अब क्या करेंगे, जिन्हें जस्ट उल्टे लिख देंगे, इन्हें उल्टे लिख देंगे 1/√3/2 / 1/√2 / 1/2 इज 0। अब मैंने तुम्हें टेन का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लिखाया था पीछे कि टेन इज इक्वल टू साइन वटे कॉस, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा वैल्यू कितनी है 0, कॉस थीटा कितनी है 1, 0/1 बराबर 0, यहाँ लिख देंगे 0। अब देखो इधर दूसरा वाला, अब देखें दूसरा वाला, ऊपर वाले में कितना 1/2, नीचे वाला √3/2, इससे ये कैंसिल, तो कितने बचेंगे 1/√3। अब इधर देखो, अब इधर देखेंगे 1/√2 / 1/√2, इससे ये कैंसिल पूरा पूरा कितना आ जाएगा 1। इसमें देखेंगे दूसरा देखो tan थीटा बराबर, अब दे रखा √3/2 / 1/2, इससे ये कैंसिल कितना आएगा √3, और tan थीटा बराबर एक देखेंगे 1/0, और 1/0 का मतलब कितना होगा इनफाइनाइट, ये मैं बता चुका हूँ कोई संख्या बटे 0 कितना होगा इनफाइनाइट, तो यहाँ क्या लिखेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। और जस्ट इधर फिर उल्टे लिख दो इनफाइनाइट √3 / 1/√3 और ये 0 और 0। sec की वैल्यू निकाल लो, sec की दोस्ती कॉस के संग होती है, तो जस्ट इन्हें उल्टे करते जाओ, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा कितना होगा 2/√3, √2/1, 1 का कोई महत्व होता नहीं है, 2/1 / 2, 0 का उल्टा तो 0 के नीचे में 1 लगा लो, फिर इसका उल्टा करूँ 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। और इन्हें उल्टे लिख दो इन्फिनिटी 2/√2 / 2/√3 / 1, 2/√3 / 1, ठीक है दोस्तों। अब 90 तक की साड़ी आपकी कंप्लीट हो गई, सिंपल तरीके से बताइए आप लोगों को सब समझ में आ जाएगी, और ना समझ में आए तो अगली वीडियो में, इस वीडियो के लिए कमेंट डाल देता हूँ, मैं अगली वीडियो में तो दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। तो आगे डिस्कस कर रहा हूँ, इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर आठ त्रिकोणमितीय अनुपात। और भी बुक कौन सी है, प्रकाशन लिख दे रहा हूँ, प्रकाशन चैप्टर आठ है, 11 तेजी का है, और प्रकाशन है भारत भारती प्रकाशन। मैं से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल है, याद है साइन थीटा बराबर 3/5, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है? टेन थीटा क्या मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण है इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि साइन थीटा बराबर दे रखा है कितना, 3/5, तो ये क्या लाल बटे कक्का, देखो लाल बटे कक्का में जाएंगे लंब बटे कर्ण, ये लंब है, ये क्या है कर्ण है, ये लंब है ये कर्ण है। लंब की वैल्यू में दे रखी है 3, कर्ण की वैल्यू दे रखी है 5, तो मैं आधार की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालेंगे, आधार की वैल्यू निकालें तो इसे मान लो PQR, कैसे ही मान सकते हो, ठीक है त्रुवी कैसे ही मान सकते हो। तो देखो लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू दे रखी है 3, कर्ण की वैल्यू दे रखी है 5, तो मैं आधा निकालना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है हमें 5, 5 का होल स्क्वायर बराबर लंब, लंब दे रखा 3 का होल स्क्वायर, और आधार हमें निकालना है, आधार हमें निकालना है, तो 25 ना इधर लेके आएंगे LHS में, तो माइनस के 9 इजिकल टू ए स्क्वायर, 25 में से 9 गए तो 16, 16 16 इजिकल टू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बराबर 4, तो आधार कितना आ गया 4, मान किसका पूछा है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का आसानी से मान निकाल सकते कितना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब है 3, आधार कितनी है, आधार है 4, किसी के भी मान निकाल सकते हैं, इसी से हम किसी के भी मान निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो जैसे हमें निकालना है कॉस का निकाल लो, कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार कितना हमारा, आधार आधार हमारा यहाँ कितना था 4 था, लंब हमारा 3 था, कर्ण कितना था, कर्ण था 5, ठीक है ना, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमारा 4, कर्ण कितना है 5, ठीक है ना। टेन का कॉट का भी निकाल सकते हैं, कॉट थीटा जस्ट उसका टेल्ड का टेन का उल्टा होता है, 4/3, सेक निकाल लो, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है जस्ट, नहीं इसमें भी देख सकते कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना हमारा 5, आधार कितना है 4, 5/4, ठीक है ना। कोसेक की निकाल लो, कोसेक थीटा का मान किसके बराबर होता है, साइन थीटा, जस्ट इसका उल्टा होता है साइन थीटा के बराबर, और वैसे इससे भी देख सकते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3, 5/3, देखो साइन का ही जस्ट उल्टा है, साइन का ही जस्ट उल्टा है, ठीक है दोस्तों। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगले एग्जाम्पल में बोल रहा है चलो एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपर का सिरा भूमि से 12 मीटर ऊंची मकान की खिड़की से टिका हुआ है और नीचे का सिरा समतल भूमि पर दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई याद करो और उस कोण का साइन और टेंजेंट बताओ, तो सीढ़ी भूमि से कितना कोण बनाती है, जो सीढ़ी से भूमि से बनाती है, ठीक है। तो काम करें क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, एग्जाम्पल टू, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है, इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपर का सिरा भूमि से 12 मीटर ऊंची मकान की खिड़की से टिका हुआ
टिका हुआ है और नीचे का सिरा समतल भूमि पर दीवार से 5 मीटर की दूरी 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो और उस कोण का साइन और टेंजेंट मतलब टेन बताओ जो सीढ़ी भूमि से इसे बनाती है। उस कोण का साइन और टेंजेंट बताओ जो सीढ़ी भूमि से बनाती है। एक सीढ़ी दीवार के सहारे है। देखो सीढ़ी है, कोई ये वाली सीढ़ी है, ये क्या है, एक सीढ़ी है, ये एक जिसकी दीवार है, ये क्या है इसकी एक दीवार मान लो, तो ये दीवार है, ये क्या है इसकी दीवार है, ठीक है ना। भूमि से 12 मीटर की ऊंची मकान की खिड़की से टिका हुआ है, ये क्या दे रखी है पूरी 12 मीटर, ये क्या दे रखा है इसका 12 मीटर से टिका हुआ है। नीचे के सिरा समतल भूमि से 5 मीटर की दूरी पर है, यह समतल सिरा, ये 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो बोल रहा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो, उस कोण का साइन और टेंजेंट ज्ञात करो। तो सीढ़ी की लंबाई देखो ये है, कोई भुजा मान लो, इसे मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे मान लेने जो एक्स है, ये क्या है कड़ हमारी एक्स है, ठीक है। और यही क्या है माना कि सीढ़ी की लंबाई, माना कि सीढ़ी की लंबाई एक्स मीटर है। तो कैसे याद है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, लंब दे रखा है आधा दे रखा है, लंब दे रखा है और आधा दे रखा है, तो लंब आधा किस में आएंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कड़ स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। कड़ हमें निकालना, तो कड़ कितना दे रखा हमें एक्स का होल स्क्वायर, लंब दे रखा कितना बी और सी के बीच में कितना लंब 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है ई और बी, ये 5 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस के 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, कितने का स्क्वायर रूट है एक्स इज इक्वल टू 13 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई एक्स इज इक्वल टू 13 मीटर। अब हमें इसका एंगल और ज्ञात करना है, इसका हमें एंगल ज्ञात करना है। अच्छा भैया तो मैं तीनों पता पड़ गई, कैसे भी निकालने, साइन की बात करिए तो साइन में देखो, साइन में क्या होगा लंब बटे कड़, लंब और कड़ की भुजा ले लो, लंब जेरा कड़ जेरा, तो मैं लिखूंगा यहाँ साइन थीटा बराबर लंब और कड़, लंब बटे कड़ 12 बटे 13, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 12 बटे 13। और टेन थीटा की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, लंब वटे आधार तो 12 बटे 5। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12 बटे 13 डिग्री का एंगल, जैसे जैसे थीटा बराबर टेन इनवर्स 12 बटे 5 का एंगल। हम मान लेंगे थीटा एंगल बनाया था इसने, कितना थीटा एंगल बनाया था, तो एंगल कितने हो जाएंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12 बटे 5 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12 बटे 13। तो साइन और दोनों निकल आए, साइन की वैल्यू निकल आई और टेन की वैल्यू निकल आई, ठीक है दोस्तों, साइन की वैल्यू निकल आई और टेन की वैल्यू निकल आई। अब देखो इसमें कुछ अभ्यास के प्रश्न है, चलो अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं।
अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। चलो बट आप देखो इसे देखो दोस्तों प्रश्नावली आठ पहला क्वेश्चन दे रखा है कॉस थीटा बराबर 7/25। कॉस थीटा बराबर 7/25 थीटा के शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा 7/25 हो तो कोण थीटा के शेष के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए तो वही दिक्कत लगाएंगे। समकोण त्रिभुज कैसे ज्ञात करेंगे? समकोण त्रिभुज को ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल दे रहा और जी ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, ठीक है। कॉस थीटा में लाल बट्टे कक्का में देखो, लाल बट्टे कक्का में देखो आधर बट्टे कट, आधर बट्टे कट, तो कॉस थीटा बराबर 7/25 दे रखा है, इसमें आधर बट्टे कट दे रखा है। आधर कितना है? 7 और कट दे रखा है कितना? 25। कट कितना दे रखा है? 25। तो इसे लंबी की वैल्यू चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? 25। 25 का होल स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर जो कि 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इसमें से घटा लो कितने बचेंगे? 625 से 49 घटाओ 15 में हो गया 6 बचेंगे 11, 11 में 4 के 7 यहाँ कितने बचेंगे? 576। ये कितने बचेंगे? 576। ये कितने का वर्ग है? ये कितने का वर्ग है? 24। कितने का वर्ग है? स्क्वायर रूट कितने का है? 24 का। 576 कितने का स्क्वायर रूट है? 24 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो लंब कितना आ गया? 24। तो सभी की मान याद कर सकते हैं हम। तो कॉस का दे ही रखा है तो साइन का निकाल लो। कॉस साइन कॉस 10 कॉट यहाँ निकाल लो, सेक का यहाँ निकाल लो, कोसेक यहाँ निकाल लो, कोसेक का। तो साइन थीटा की वैल्यू देखो, लंब वटे कर्ण, लंब वटे कर्ण, लंब कितना है? 24। कर्ण कितना है? 25, ठीक है। टेन थीटा में देखो, लंब वटे आधार, लंब वटे आधार, लंब कितना है? 24 और आधार कितना हमारा? 7। कॉट थीटा जस्ट 10 का उल्टा होता है, 7/24। सेक में देखो, कड़ वट्टे आधार, कड़ कितना है? 25 और आधार कितना? 7। 25/7। अब कड़ हो गया सेक, अब कोसेक की देख लो, कड़ वट्टे लंब, कड़ वट्टे लंब, कड़ वट्टे लंब, तो कड़ कितना है? 25 और लंब कितना है? 24। कड़ वट्टे लंब। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ठीक है। जो अगर दिक्कत लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, तो मैं आगे वीडियो में आपके डिस्कस कर दूंगा।
और जो आगे क्वेश्चन बच रहे हैं मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? थैंक यू।